गुड इवनिंग एवरीबॉडी, 5:15 हो चुके हैं, आपके फिजिक्स की क्लास का टाइम। आ जाओ सारे बच्चे जल्दी से। जय हिंद, आ जाओ जल्दी जल्दी। जय हिंद, गुड इवनिंग, आ जाओ जल्दी से काम स्टार्ट कर सके। ये इंटरनेट बंद होने की वजह से कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई। जय हिंद, गुड इवनिंग, कैसे हो सारे? कैसी चल रही है एनडीए की तैयारी आप सब लोगों की? जय हिंद, जल्दी जल्दी आ जाओ, कल की छुट्टी मिल गई इंटरनेट के चक्कर में, आ जाओ फटाफट। जय हिंद। छुट्टी में कुछ यूज किया छुट्टी का कि नहीं किया? हाउ इज द जोश? गौरव जी मेरा तो हाई है, आप बताओ। सुजीत जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? गुड इवनिंग, एकदम बढ़िया। रोहित जी कह रहे एकदम बढ़िया। चलो बढ़िया वाले फिर फटाफट कॉपी पेन लेकर आ जाओ। जोश हाई है। हाँ जी, क्लास कल इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही थी, इंटरनेट बंद करा हुआ है इसीलिए दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ जी, सेकंड लेक्चर का उस दिन रह गया था वो, फिर इंटरनेट के चक्कर में नहीं हुआ है। आज दोनों क्लासेस का इकट्ठा भेज दूंगी मैं पीडीएफ। गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाओ। पढ़ा है दबा के श्रीजीत, बहुत अच्छी बात है। सनत जी कह रहे हैं एनसीईआरटी से भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते रहो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो करो, यहाँ पर भी कराए जाते हैं, थ्योरी सारी कंप्लीट है। हाँ जी समीर जी, हाँ जी पीडीएफ में अभी जस्ट क्लास के बाद आप लोगों को भेज दूंगी। आ जाओ जल्दी से सारे, अब तो कल की छुट्टी भी मिल गई, अब तो काम करो। आयुष इज प्रेजेंट, आई एम वेरी गुड आयुष, हाउ आर यू? एच सी वर्मा सॉल्व कर रहे हैं अभी तो, क्या बात है अंकुर जी। जो डाउट्स है आप लोग साथ के साथ बता दिया करो, डाउट्स ले लिए जाएंगे। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। पहले वाला सारा क्लियर है? सब बच्चों ने रिवाइज किया है पहले वाला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉस प्रेशर तक ये, एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये सब आप लोगों ने कर लिया था। आज फ्लूइड्स के बारे में आगे बात करेंगे, सरफेस टेंशन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी होती है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस, सरफेस एनर्जी, विस्कोसिटी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरी। आज के थोड़े भारी भारी से टॉपिक है तो आ जाओ जल्दी से। नमन जी कल हमारे यहाँ पर नेट नहीं चल रहा था इंटरनेट, इसीलिए छुट्टी करनी पड़ी। यस चलो, नो मैम, ये नो और यस किसके वाले डाउट्स के लिए? हाँ जी, थोड़े टफ और आसान दोनों करने चाहिए आपको। टफ देख के छोड़ मत देना, आसान देख के बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना, दोनों चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। चाहे एग्जाम टफ आ जाए उसकी भी तैयारी, इजी हो उसकी भी तैयारी। हाँ जी, कल से तो स्कूल लगेंगे ग्यारहवीं वालों, तुम्हारे भी पेपर ऑफलाइन हो रहे हैं अब। तैयारी करो अपने एग्जाम्स की अच्छे से, बोर्ड्स में, सीबीएसई में अच्छे नंबर लो, आगे पेपर की तैयारी करो, अच्छे मार्क्स लेके पास हो, ताकि आगे का काम आपका आसान हो जाए। पीडीएफ, हाँ जी नमन जी, पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ जी लोकेश, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ओके, तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड्स पे हैं हम, आज के टॉपिक्स है थोड़े, कुछ आपको आइडिया होगा, कुछ नए होंगे, आराम से समझना। पहले ही कहते हैं चैप्टर क्रामिंग वाला नहीं है, क्राम करोगे तो बस उधर ही रह जाओगे, भूल जाओगे पिछली चीजें। समझते रहो पिछले टॉपिक से, आज वाला टॉपिक रिलेट होगा कुछ कुछ, कुछ कुछ चीजें नई होगी।
तो शुरू करते हैं। हाँ जी आयुष जी, पेपर ऑफलाइन होगा ग्यारहवीं वालों का, आज कौन सी डेट है? 31 जन। जनवरी भी चला गया देखो। तो फ्लूइड्स आपका टॉपिक, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज आपने करी थी, मैटर, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस, हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशियो सब कर चुके हो। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। रवि जी, मैम आप मेरे को इग्नोर करते हो। मैम जानबूझकर किसी को इग्नोर नहीं करती, कभी आ जाते हो सामने, कभी पॉपअप हो जाते हैं, कमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, कहीं स्कूल वाले 11th में फेल ना कर दे। समरेंद्र जी कुछ लिखोगे तो कैसे फेल करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते वो। आप लिखोगे तैयारी करके जाओगे तो वो क्यों फेल करेंगे। चलो आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं काम। पहला टॉपिक एडहेसिव फोर्स। आपके पास यहाँ पर फोर्सेस आएगी, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। अब ये क्या होती है एडहेसिव फोर्स? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जब आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स हो तो उसे क्या कहोगे? एडहेसिव फोर्स कहोगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है उन्हें कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स किसके अंदर आएगी? इट इज अ टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वो होती है जो आपके क्रिस्टल में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगती है, उसे क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। आपके पास उसमें से कौन सी है? एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स वो है जो डिफरेंट किसके बीच में लगती है? मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। एग्जांपल गम और फेविकोल। फेविकोल के डब्बे पे देखना लिखा होगा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव। तो वो क्या है आपके पास? उसमें एडहेसिव फोर्स होती है। वाटर वेट्स द ग्लास सरफेस। पानी को डालते हो आप ग्लास में, सरफेस को गीला कर देता है, तो वहां क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स आपके पास कौन सी फोर्स है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में होगी उसे कहेंगे एडहेसिव। अब आओ कोहेसिव। एडहेसिव कोहेसिव इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी की तरह ये भी भाई बहन। कोहेसिव फोर्स क्या होगी? इट इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जो एक ही सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे उसे क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। इसका एग्जांपल मर्करी है। मर्करी को आप ग्लास में रखो, वो वेट नहीं करेगा ग्लास का सरफेस जैसे पानी कर देता है, वाटर ड्रॉपलेट्स छोड़ देता है, गीला कर देता है ना, मर्करी नहीं करता। क्यों? मर्करी के अंदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती है। एक ही टाइप का सब्सटेंस है मर्करी, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मर्करी के ही होंगे, उनके बीच में जो फोर्स आएगी दैट इज योर कोहेसिव फोर्स। इसीलिए मर्करी वाटर का कंटेनर जो आपका है ग्लास कंटेनर उसको वेट नहीं करता, क्योंकि उसके खुद के अंदर फोर्स है। डिफरेंट सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस जो थी वो कौन सी थी? एडहेसिव। कोहेसिव क्या है? जो सेम सब्सटेंस के बीच में है। क्लियर है? हाँ जी। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उन्हें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जब आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, एटम्स ले रहे हो, तो इंटर एटॉमिक फोर्स। वो आगे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं आपके, वेंडरवाल होते हैं, एक तरीके से वेंडरवाल फोर्सेस के अंडर आता है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। जब सेम सब्सटेंस होगा तो कोहेसिव फोर्स लगेगी वहां पे, और जब क्या होगा डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होगा? एडहेसिव फोर्स होगी। क्लियर है सभी को? एडहेसिव का सबसे बड़ा एग्जांपल है फेविकोल जो आप यूज करते हो, उसमें लिखा होता है एडहेसिव, स्ट्रॉन्ग एडहेसिव, तभी तो वो बाकी को जोड़ देते हैं अपने साथ। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। यही मर्करी ले लो तो वो किसी के साथ नहीं होता, अगर आप उसको ग्लास में डालो वो ग्लास को गीला नहीं करेगा, क्योंकि उसके खुद के अंदर कोहेसिव फोर्स है। क्लियर है ये? हाँ जी पढ़ लो, टॉपिक छूट जाएगा नोबिता जी बिल्कुल।
कैपिलरी क्रिस प्रिंसिपल पे होता है, शरद अभी आएगा आगे कैपिलरी, इतना क्लियर है। मयंक लेट हो गए हो, आ जाओ जल्दी से, फटाफट सेटल डाउन हो जाओ, अभी पहला टॉपिक ही चल रहा है। सिंपल डेफिनेशंस है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन निकल सकता है कि वाटर वेट नहीं करता, वाटर वेट करता है, मर्करी नहीं करता। क्या आंसर्स और क्या रीजन है आपको पता है? वाटर और ग्लास सरफेस, वहां पे स्ट्रॉन्ग एडिसिव फोर्स है, मर्करी वेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है। एजर्शन रीजनिंग में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए एडिसिव कोहेसिव, क्लियर। इसका सोर्स नहीं होता, ये एटम्स के बीच में, ये इंटर मॉलिक्यूल जो दो मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करती है वो फोर्स है, क्लियर है। हां जी, समरेंद्र जी ने तो कह दिया क्लियर है, आदित्य ने भी कह दिया क्लियर है। हां जी शांतनु, वाटर वेट्स द ग्लास सरफेस बट मर्करी डू नॉट। ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का आपको आ सकता है assertion reasoning में, और ऐसे ही आएगा water wets the glass surface but mercury do not। तो ये स्कूल के लिए भी और आपका ये NCERT तो है ही है, चलो NDA के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, assertion reasoning में फिट बैठ सकता है, क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना, adhesive कहाँ पे है, cohesive कहाँ पे है, water में adhesive है, mercury में cohesive है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। आप फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, याद रखना फ्लूइड्स आज का टॉपिक है, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। तो फ्लूइड क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच द फ्री सरफेस एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव्स एज इफ इट इज कवर्ड विद अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। सबसे पहला पॉइंट सरफेस टेंशन में आने के लिए एक चीज याद रखो, फॉर अ गिवन वॉल्यूम किसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, कौन बताएगा, पता है किसी को? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, हाँ जी, मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है, याद रखना है। फॉर अ गिवन वॉल्यूम sphere has minimum surface area, अभी आपको क्या कह रहा है सरफेस टेंशन में, ये कह रहा है कि लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये आपने एक बीकर लिया इसमें भर दिया, तो द फ्री सरफेस एट रेस्ट, ये वाला हुआ द फ्री सरफेस एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया मतलब एक तरीके से स्फीयर में अलाइन करने की कोशिश करेगा, एंड इट बिहेव्स एट एज इट इज कवर्ड विद अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्फीयर जब आप बनाओगे गोल, यहां से जब वो स्फीयर का स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऐसे ही हो जाएगी एक तरीके से, तो क्या है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिससे जो फ्री सरफेस और रेस्ट पर है आपका वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो, क्लियर है। हाँ जी आदित्य ने बिल्कुल सही लिखा है, स्फीयर, उदय, शांतनु, अभिनव, श्योर शॉर्ट बोर्ड, क्लियर, ये सबने ठीक लिखा है स्फीयर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबने सही आंसर लिखा है, वाह। तो अब सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं इसे, एक तरीके से जब फॉर्मूला की बात आए तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इन द टर्म्स ऑफ इट्स डेफिनेशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिससे जो आपका फ्री रेस्ट पर है, फ्री सरफेस एट रेस्ट, वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है और ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो, खींची हुई मेम्ब्रेन हो एक तरीके से। और मिनिमम सरफेस एरिया आपको पता है किसका होता है, स्फीयर का होता है, तभी रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल होती है, ये आगे वही प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की। स्ट्रॉन्ग श्रीजी दी स्ट्रॉन्ग को एडहेसिव फोर्स कही है वहां पे, वीक कोहेसिव कहने से बेटर है, एग्जैक्ट टर्म आप स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स कहो, क्लियर। अब
ये है आपके पास सरफेस टेंशन अगेन, मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिससे वो चाहता है क्या कि जो लेयर आपकी फ्री सरफेस पे, लेयर रेस्ट पर है, फ्लो नहीं कर रहा, लिक्विड रेस्ट पर है जैसे बीकर में डाला हुआ है, वो क्या चाहता है कि वो जो फ्री लेयर है रेस्ट पर क्या ले ले, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करे और ऐसे बिहेव करे लाइक इट इज कवर्ड विद अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। और फॉर्मूला आपको याद रखना है, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, एस से डिनोट होगा सरफेस टेंशन। याद रखना, कहीं भी एस लिखा हो आपको किसी फॉर्मूला में कहीं भी, तो आपको एस इज सरफेस टेंशन। क्लियर? यूनिट्स फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, एंड आपको डायमेंशंस दे रखे हैं m1 l0 t-2, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? आयुष, परसों के टॉपिक से रिलेटेड तो ऐसा इतना रिलेटेड नहीं है कुछ। सरफेस टेंशन के डायमेंशंस लिखे हुए हैं, आशीष इलैबोरेट करो। इलैबोरेट इसमें आपको क्या है कि बेसिकली एक तो फॉर्मूला आपको देखना है, फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्यों वो क्या कह रहा है कि वो एक मिनिमम सरफेस एरिया, ये लिक्विड की टेंडेंसी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है, इट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही उसके ऊपर, तो ये टेंडेंसी है उसकी। क्लियर है सभी को? डायमेंशंस m1 l0 t-2, कॉपी पेन निकालो, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, डायमेंशंस निकाल के देखो। आपको बार बार कहा है नोटबुक और पेन हाथ में लेकर बैठा करो। आपने फॉर्मूला में पुट करना है आयुष, अलग हो सेम हो कोई नहीं, आपको फॉर्मूला में पुट करना है, डायमेंशंस निकालने आने चाहिए। वहां पर ये भी हो सकता है आपको ये डायमेंशन दिया जाएगा, बोलेंगे कि इसकी क्वांटिटी बताओ, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये किसकी क्वांटिटी है। क्लियर है? तो ये है आपके पास सरफेस टेंशन, सिंपल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करना आएगा, डेफिनेशन में अगर आप समझना चाहो तो लिक्विड की टेंडेंसी है क्या वो जो सरफेस उसका कहते हैं कि मैं मिनिमम सरफेस एरिया ले लूँ वो लेयर, और स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। आदित्य जी कह रहे हैं क्लियर है, दीपराज भी कह रहे हैं क्लियर है, मयंक भी कह रहे हैं क्लियर है। अभी आपके पास नागले जी आएगी कि किस किस चीज पर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, अभी आपके पास ये टॉपिक आएगा, सरफेस टेंशन को फैक्टर्स, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, सरफेस इफेक्ट करता है, नहीं करता, अभी ये आएगा आपके पास। क्रिस्टल क्लियर है? हरदीविश सिंह कह रहे हैं जडेजा जी, एक वो जडेजा और एक ये जडेजा। अब एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन, रेन ड्रॉप स्फेरिकल है, द हेयर्स ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर, ऑयल स्प्रेड ऑन कोल्ड वाटर बट रिमेन्स अ ड्रॉप ऑन हॉट वाटर। अब ये भी एक कंसेप्ट आपके पास आएगा कि वाटर स्प्रेड होएगा या ड्रॉपलेट बना लेगा, वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से आता है हमारे पास। लिटल लिटल क्लियर प्रबल जी, लिटल लिटल क्लियर, ठीक है, लिटल लिटल क्लियर है, कोई बात नहीं, कोशिश करो, दोबारा देखना आ जाएगा। थोड़े से टेढ़े मेढ़े भारी भारी से टॉपिक्स है, हो जाएंगे, बस कोशिश करना है आपने। क्लियर? अर्पित जी कह रहे हैं क्लियर है। ये कौन सी क्वांटिटी है? सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू स्केलर क्वांटिटी, याद रखेंगे ये भी हम सब, याद रखने, कल को पेपर वाला कुछ भी पूछ रहे हैं हम उसका जवाब दे देंगे, ले भाई दे के मारना वहां पेपर में, हमें तो आंसर आता है टिक 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 ऑप्शंस। क्लियर? रेनड्रॉप्स वाला पीवाई क्यों, हां जी आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट, अब जो जो टॉपिक्स आएंगे वो सब खुद में इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको छोड़ नहीं सकते। क्लियर? इसमें हर टॉपिक खुद में इंपॉर्टेंट है, कैपिलरी आएगा, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, फ्लो कैसे करता है, हर चीज खुद में इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ नहीं सकते इस चैप्टर में। और प्लीज छोड़ना मत, कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं छोड़ना, कम कम टॉपिक्स कराए जाते हैं दिन में, जो चैप्टर ज्यादा थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा सा होता है मैं वैसे ही कम टॉपिक्स कराती हूँ कि आप लोग अच्छे से कर पाओ, ज्यादा वो गोल ना होना शुरू हो जाए,
तो थोड़े से टॉपिक्स है वो प्लीज साथ के साथ करा करो, छोड़ना नहीं है किसी ने। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ये स्केलर है क्योंकि इसकी पर्टिकुलर, आपने ऐसे तो प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया किया था, उसको कैसे आपने स्केलर कहा था? क्योंकि उस क्वांटिटी की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है या किससे ले रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। जो क्वांटिटी है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है या नहीं करती उसके अकॉर्डिंग बनता है। क्लियर है सभी को? हाँ जी जडेजा जी, नाम आपका थोड़ा सा वो हो गया था गलत, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे, अब आता है आपके पास सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है? मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से सरफेस टेंशन, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस हैव सम एडिशनल एनर्जी ड्यू टू देयर पोजिशन। कुछ एनर्जी तो है ही है, यहाँ पे थोड़ी एडिशनल एनर्जी की भी बात हो रही है। वो एडिशनल एनर्जी जब आप एरिया के हिसाब से लो तो उसे क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी एक तरीके से वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आप काम कर रहे हो अगेंस्ट सरफेस टेंशन लिक्विड बनाने के लिए। देखो इसे, सरफेस एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस ऑफ गिवन एरिया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जो आप काम करोगे उसे सरफेस एनर्जी कहते हैं। सरफेस एनर्जी आपने मॉलिक्यूलर थ्योरी में उसने एक चीज कही है, एनर्जी है बट ड्यू टू देयर पोजिशंस दे हैव सम एक्सटर्नल, ज्यादा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है, हैव सम एडिशनल एनर्जी। वो कह रहा है एडिशनल एनर्जी ड्यू टू देयर पोजिशंस, मॉलिक्यूल्स की पोजिशन की वजह से उनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल है। अब जब वो एडिशनल एनर्जी पर यूनिट एरिया ले रहे हो, वो आपको कह रहा है कि आपको लिक्विड बनाना है ऑफ सरफेस ऑफ गिवन एरिया, इन फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस ऑफ गिवन एरिया। और जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी को आप एरिया के डिवाइड कर रहे हो, पर यूनिट एरिया में ले रहे हो, दैट इज सरफेस एनर्जी। वहां पे लिखा हुआ है वर्क डन डिवाइडेड बाय द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वर्क डन डिवाइडेड बाय द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वो सरफेस एनर्जी है। क्लियर है? आदित्य क्वेश्चन का है, थप्पड़ नहीं मारना, टिक करके आना पेपर को, थप्पड़ नहीं मारना, टिक करना अच्छे से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हाँ जी वो भी इम्पोर्टेंट है, आएगा आगे। इस चैप्टर के हर एक टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कोई स्किप नहीं कर सकते, अपने में है। अब पिछली बार प्रीवियस ईयर अगर एक बार वो सरफेस टेंशन दे चुका है स्फेरिकल, तो अब या वो आर्किमिडीज में से देगा, कैपिलरी में से देगा, दूसरे टॉपिक्स में से देगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली एकदम एक साल के बाद रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस, कुछ टाइम के बाद रिपीट होते हैं। हाँ जी आदित्य, आपको क्वेश्चन नहीं मुझे पता चला, क्वेश्चन कौन सा है? शाबाशी तो मैं दू, मुझे क्वेश्चन पता चल जाए। नो क्रिस्टल क्लियर मैम, ना हो क्या है दिक्कत बताओ। सरफेस एनर्जी पॉइंट बाय पॉइंट करोगे, सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि सरफेस हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके पास, क्यों? मॉलिक्यूल्स की ड्यू टू देयर पोजिशंस, पोजिशन की वजह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी है आपके पास। जब उस एक्स्ट्रा एनर्जी को आप एरिया के साथ लेते हो उसे कहते हैं सरफेस एनर्जी। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस, जो सरफेस पे होंगे, लेयर मतलब सरफेस, ऊपर टॉप लेयर होगी एक तरीके से, किसी के सरफेस पे रखोगे आप उसको, सॉलिड के ऊपर लिक्विड रखोगे, अगर लिक्विड का ड्रॉप डालोगे तो जो सरफेस पे होंगे हैव सम, उनके पास एडिशनल एनर्जी है। वो एडिशनल एनर्जी पर यूनिट एरिया के हिसाब से लोगे, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पूरा नहीं सरफेस, पर यूनिट एरिया के हिसाब से लोगे तो आपको वो सरफेस एनर्जी मिलेगी। क्या कह रहे हैं? वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्या है वर्क डन? वर्क डन जो आप सरफेस टेंशन की फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हो लिक्विड का, एक लिक्विड का ड्रॉप बनाने में ऑफ अ गिवन एरिया, एरिया जरूरी है वहां पर। क्लियर है?
देखो वर्क डन, आपको पता है सर्व एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस ऑफ गिवन एरिया, क्योंकि वो क्या कह रहा है आपको, एडिशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया वर्क डन, क्या ले रहे हो ये एनर्जी क्या है, किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है जो आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कर रहे हो। सरफेस टेंशन तो कहेगा कि सबसे कम सरफेस एरिया ले लो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, उसके अगेंस्ट जो आप काम कर रहे हो लिक्विड सरफेस ऑफ गिवन एरिया फॉर्म कर रहे हो, लिक्विड का सरफेस गिवन एरिया का, एक पर्टिकुलर एरिया का, तभी आप उसको पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर रहे हो, उसे कहेंगे सरफेस एनर्जी। क्लियर है श्रीजी जी? व्हाट आर द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एनर्जी, आते हैं इस पे भी। क्लियर है सभी को? पहले इतना बताओ कि सरफेस एनर्जी समझ में आया? सरफेस एनर्जी कि कितना काम करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, लिक्विड का सरफेस बनने में ऑफ अ गिवन एरिया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर है सभी को सरफेस एनर्जी? सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी, क्लियर क्लियर क्लियर? क्लियर, चलो समझ आ गया। श्रीजीत जी चमका, जो भी है समझ आ गया आप लोगों को। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद रखना है, फॉर्मूला नहीं भूलना, फॉर्मूला किसी चीज का नहीं भूलना। रिटर्न पीडीएफ मिलेगी, उसमें फॉर्मूलाज होंगे, एप्लीकेशंस होंगी, हर चीज होगी। क्लियर है? चलो आओ, अब आ गया कैपिलरी, जो आप पूछ रहे थे कैपिलरी राइज और फॉल क्या होता है। कैपिलरी एक बहुत बारीक ट्यूब की तरह, कुछ बच्चों ने हो सकता है देखी हो बोर्ड्स में, कुछ ने हो सकता है नहीं देखी हो, आपके स्कूल और आगे कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में होता है कैपिलरी का प्रैक्टिकल, कैपिलरीज मिलती है, देखी है किसी ने कैपिलरी ट्यूब? ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है नागले जी, क्लियर है। ये बताओ फटाफट, कैपिलरी देखी आपने, आपने अपनी पेन की रिफिल देखी है, बहुत पतली सी होती है और उसके अंदर इंक होती है, वैसे इमेजिन करो कैपिलरी बिल्कुल बहुत बारीक स्पेस होती है उसके अंदर, कैपिलरी के अंदर एक बहुत बारीक सी ट्यूब, ये भी बहुत ज्यादा अभी बीच में वो बन गई, ज्वाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन ले लो तो बीच में ऐसे 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 ऐसी होती है कैपिलरी, ये यहां से बंद हो गया, वो ओपन होती है दोनों एंड से, आप उसे थोड़ा सा टेम्परेचर पे, गैस पर, गैस पे तो नहीं, कैंडल का फ्लेम लेके बेसिकली थोड़े से फ्लेम के ऊपर उसकी साइड्स आप बंद करते हो, बहुत बारीक, नहीं देखी आप लोगों ने? यस मैम सन्नत कह रहे हैं, देखिए देखिए देखी है चिड़ी में देखी है, हाँ जी, जैसे आपकी जिन्होंने नहीं देखी, आपका पेन का रिफिल होता है ना जो, उसे खुल नहीं रहा है, इसको आप कैपिलरी की तरह ले सकते हो, आपका पेन का रिफिल, देखो ये क्या है, बहुत बारीक सी ओपनिंग है और बीच में बहुत बारीक सी जगह है और उसके अंदर आपका है, बेसिकली ये एक एग्जांपल ले सकते हो कैपिलरी का, यहाँ पर आपकी टिप है जिससे आप लोग लिखते हो, वो दोनों तरफ से ओपन होती है, आप इसे क्या करोगे, इससे जो भी एंड आपको बंद करना होता है उसे फ्लेम के पास लेके जाओगे, वो वहां से बंद हो जाएगा, ये एक तरीके से कैपिलरी, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये थोड़ी सी इमेजिनेशन के लिए आप लोगों को हेल्प करेगा बेसिकली कि होता क्या है कैपिलरी। सत्यम जी कह रहे हैं बस करो, समझ आ गया? हाँ जी, उस पर बिल्कुल, उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, अब तो आपको बता ही दिया। तो कैपिलरी क्या है, अ ग्लास ट्यूब विद फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से ओपन होती है, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं।
कैपिलरी अब क्या होता है वो अपने अंदर एक तरीके से हम राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड की बात करेंगे कैपिलरी में. द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच अ लिक्विड राइज और फॉल इन अ कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल. क्या होगा जब आप लिक्विड ले रहे हो अगर उसकी हाइट इंक्रीज या फॉल ऑफ कर रहे हो तो उसे कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल करोगे. क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ जी. बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आपके कैपिलरी के वहां पर आप ज्वाइन करके बंद करते हो. केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स होते हैं आप लोगों के कैपिलरी के. क्लियर? नहीं नहीं, ब्यूरेट तो बहुत वो होती है. ब्यूरेट की तो ओपन थड़ी होती है दोनों तरफ से. ब्यूरेट में तो नॉब लगा होता है. ब्यूरेट नहीं है कैपिलरी. राइज ऑफ फॉल ऑफ अ लिक्विड इन ट्यूब्स ऑफ नैरो बोर इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन. नैरो मतलब बहुत बारीक स्पेस होती है उसके अंदर. कोई वाइड स्पेस ट्यूब्स की तरह नहीं होती, वो बहुत बारीक होती है. ट्यूब आपको एक तरीके से कहने के लिए बताया हुआ है कि क्या हो रहा है, बट ट्यूब में बहुत ज्यादा स्पेस होता है. पेन की रिफिल इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल. बहुत बीच में क्या होता है, दोनों तरफ से ओपन. टिप वाला नीचे से तो ओपन है ही है, टिप वाला साइज भी अगर आप ओपन ले लो तो वो कैपिलरी है एक तरीके से. क्लियर? जिसमें वॉटर राइज, हाँ जी, राइज और फॉल होता है उसे कैपिलरी राइज या फॉल कहते हैं. अब क्या है, द रूट कॉज ऑफ कैपिलैरिटी इज द डिफरेंस इन प्रेशर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड. लिक्विड की क्या टेंडेंसी है कि मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करे, स्फीयर बन जाएगा एक तरीके से. तो कनकेव या कन्वेक्स साइड जो बन रहा है, दैट इज बेसिकली द रीजन, द रूट कॉज. या आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. द रूट कॉज ऑफ कैपिलैरिटी इज द डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड. जो प्रेशर में फर्क आएगा उसकी वजह से जो कनकेव और कन्वेक्स बनता है. कनकेव और कन्वेक्स पता है सभी को? बेसिकली दिस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स. क्लियर? कनकेव और कन्वेक्स जो बनता है वो प्रेशर की वजह से, ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर. बेसिकली ये है आपका मेन आंसर, difference in pressure on two sides of the curved surface of liquid. नहीं समरेंद्र जी, ये आज का लास्ट टॉपिक नहीं है, अभी करेंगे. हाँ जी, नागले जी ने सही कहा है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. क्लियर? तो आपको कॉज पता चला, ड्यू टू द डिफरेंस इन जो प्रेशर में फर्क है दो साइड्स लिक्विड के, कनकेव कन्वेक्स की शेप आपको पता चली. जो अंदर की तरफ है, बल्ज्ड इन है, ये देखो ये खाली गोला एक तरीके से, दिस इज योर कनकेव. और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, दैट इज कन्वेक्स. ये मिरर्स में भी आपको आएगा, इसे कनकेव मिरर ऐसा दिखता है और कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है. 10th में आपने रे डायग्राम्स करे हैं, कनकेव कन्वेक्स का आइडिया आप लोगों को होगा. क्लियर है? चलो आगे. एग्जाम्पल्स, इंक राइजेस इन द फाइन पोर्स. आप टावल है, गर्मियों में सुखाते हो कपड़ों को? जी बिल्कुल, सर्दियों में भी सुखाते हो वैसे तो. अब क्या होता है, जो आपके थ्रेड्स होते हैं वो थ्रेड्स कैपिलरी की तरह राइज करते हैं, कैपिलरी की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए आपका टावल एकदम सूखता है. हाँ जी, जिसमें केव वो कनकेव. क्लियर? तो अ टावल सोक्स वाटर, जो उसके थ्रेड्स है, वाटर ले लेते हैं, जो थ्रेड्स है, दे एक्ट एज अ कैपिलरी, अपने अंदर पानी भर लेते हैं. नेक्स्ट इज ऑयल राइजेस अलोंग द नैरो स्पेसेस बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ अ विक. वुड स्वेल्स इन रेनी सीजन, वुड स्वेल हो जाता है, वो कैपिलरी की तरह उसके अंदर एक्ट करता है, अपने अंदर पानी को भर लेता है, इसीलिए वो स्वेल हो जाता है मॉइस्चर वाले सीजन में. ये आपके कैपिलरी के एप्लीकेशंस है. लैब में तो आप लोग काम करते ही हो, उसमें पाउडर भरते हो कैपिलरी में, आप केमिस्ट्री में काम आता है ये ज्यादा. क्लियर है? क्लियर है सभी को? दिया बाती, हाँ जी बिल्कुल, दिया बाती दीपक जी सही कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कैपिलरी. आपका जो थ्रेड, उसमें सिंपल से ये है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ले लो, वो अपने अंदर भर लेते हैं पानी को, तो दैट इज बेसिकली कैपिलरी. इंक राइजेस, आपको इंक राइजेस इन द पोर्स ऑफ ब्लॉटिंग पेपर लीविंग द पेपर ड्राई.
इन सब चीजों में कैपिलरी एक्शन हो रहा है, ये आपको कैपिलैरिटी के बारे में बता रहे हैं, क्लियर है। और कैपिलैरिटी का रीजन क्या है? रीजन है प्रेशर डिफरेंस जो दो सरफेस के बीच में बनेगा, क्लियर क्लियर। प्रशांत जी कह रहे क्लियर, हाँ पाउडर के एक्सपेरिमेंट में नाग ले जी बिल्कुल, जिन्होंने आगे नॉन मेडिकल ग्रेजुएशन में करी है उनको जरूर पता होगा, बीएससी में प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके केमिस्ट्री में, वो उसके अंदर वुड में भी क्या होता है मॉइस्चर है तो वो वुड अपने अंदर ले लेगा तो पानी उसके अंदर समा जाएगा एक तरीके से, बेसिकली वो स्टोर कर लेगा, क्लियर है क्लियर है सभी को। कैपिलरी, कैपिलरी क्या होता है? राइज ऑफ फॉल, राइज या फॉल एक नैरो ट्यूब में। रीजन क्या है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो सरफेस ऑफ लिक्विड पे है, ऑन द टू साइड्स ऑफ द सरफेस जो लिक्विड की प्रेशर डिफरेंस है, दैट इज द रीजन। एग्जांपल्स है आपको इंक राइजेस टावल सोक, ऑयल राइजेस इन द नैरो ग्रिप, टावल सोक कर लेता है, जो थ्रेड्स होते हैं आपके वो कैपिलरी की तरह एक्ट करते हैं, और रूट कॉज यही है डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ लिक्विड, क्लियर है। हाँ जी सत्यम जी कह रहे हैं चलो आगे, चलो आगे। अब एसेंट फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला, एसेंट और डिसेंट, एसेंट क्या करा था आपने? ऊपर जाता हुआ, डिसेंट नीचे आता हुआ, मोशन चैप्टर में किया था। एसेंट तो मतलब लिक्विड ऊपर जाएगा, जब आपने एक एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब को इमर्स करा हुआ लिक्विड में जिसकी डेंसिटी डी है, वो वेट कर रही है साइड्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब, द शेप ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब बिकेम्स कनकेव अपवर्ड्स, कनकेव और कन्वेक्स कैसा हो जाएगा? वो कनकेव अपवर्ड्स हो जाएगा, ऐसा एक तरीके से कनकेव अपवर्ड्स। तो क्या है कि आपने क्या करे, एक कैपिलरी ली है बेसिकली, से दिस इज योर कैपिलरी, उसको आपने पानी में इमर्स कर दिया, वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब का रेडियस आर है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी है विच वेट्स द साइड्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब, जब लिक्विड यहां तक है तो साइड्स में होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा कैपिलरी ट्यूब, और शेप यहां पे आपको कनकेव अपवर्ड्स मिल रही है अभिषेक, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब वो जो लिक्विड ऊपर जाएगा, टाइम जो द राइज इन ट्यूब होगा, द राइज इन ट्यूब एच, ये आपका बीकर है, इसमें आपने कैपिलरी डाली है, ये सॉरी यहां से बंद हो गया, ये बंद नहीं होगा, ओपन रहेगा। अब वो अपने अंदर पानी लेगा, वो पानी कितने हाइट तक जाएगा कैपिलरी के अंदर, उस चीज का फॉर्मूला क्या है? 2t cos थीटा अपॉन r rho g। अब यहां पे क्या क्या है? t क्या है? सरफेस टेंशन जो पानी की होगी, r रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, शिट रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, नेक्स्ट rho इज डेंसिटी ऑफ वाटर, g is acceleration due to gravity, theta है angle of contact, जो अभी हम पढ़ेंगे कि angle of contact क्या होता है। अभी basic capillary को लेकर चलो जिसको आपने liquid में immerse करा है, दोनों sides क्या है? पानी के अंदर है, radius r की capillary है, तो उसमें ये आपका suppose capillary है, इसको आपने एक beaker में डाल दिया है, clear। अब I cannot see a beaker here, assume करो इस capillary को आपने एक beaker में डाल दिया, अब उसमें जो लिक्विड का राइज होगा उसकी हाइट कितने हाइट तक राइज होगा, दिस इज द फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन r rho g, r रेडियस कैपिलरी का, rho लिक्विड की डेंसिटी जो आपने लिया है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t सरफेस टेंशन पानी का, cos थीटा आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो अभी हम पढ़ेंगे, कनकेव और कन्वेक्स की शेप कैसी होती है अभी बताते हैं, क्लियर है। हां जी ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अभी आपको तंग करेगा, ये देखो ये है आपका कनकेव मेनिस्कस, दिस इज योर कन्वेक्स मेनिस्कस, कनकेव मेनिस्कस कन्वेक्स मेनिस्कस, जब लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, यहां पर लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, ये कनकेव और कन्वेक्स मेनिस्कस देख लो एक बार, ये शेप्स बनी हुई है कनकेव और कन्वेक्स,
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने कहा था सुजीत, अभी बताऊंगी, अभी आप कैपिलरी राइज ऑफ फॉल कर लो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये है कि जो लिक्विड ये आपने इमर्स करा है, दिस इज योर लिक्विड, ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है। जो सॉलिड और लिक्विड ये द टेंजेंट से जो एंगल थीटा बनाओगे, दिस इज योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट, दिस इज योर सॉलिड और ये आपका लिक्विड है। As the angle enclosed between the tangent to liquid surface as that point of contact, ये point यहाँ पर liquid और solid आपस में क्या है, contact में एक दूसरे के, इस point से liquid के जब आप tangent बनाओगे तो ये जो theta है, this is called as angle of contact। पता चला कुछ कि नहीं? बताओ 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 श्रीजीत, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, आप लोग पूछ रहे हो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो पॉइंट से टेंजेंट बनेगा, कौन से पॉइंट से, जब लिक्विड और सॉलिड आपस में कॉन्टैक्ट में है। देखो यहाँ पर, दिस इज योर सॉलिड, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे ये लिक्विड और सॉलिड दे आर एट कॉन्टैक्ट, यहाँ से टेंजेंट बनाओगे जब, जो एंगल एनक्लोज होगा थीटा, दैट इज योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ध्यान से सुनो फिर उसे बनाने की कोशिश करना, क्या है बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब कॉन्टैक्ट, नाम से ही आ रहा है, तो जब तक दो चीजें जुड़ेंगी नहीं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं आ सकता। कहां जुड़ रही है, लिक्विड और सॉलिड इज डिफाइंड एज द एंगल एनक्लोज बिटवीन द टेंजेंट, कहां पे एंगल बन रहा है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, tangent to the liquid surface at point of contact, this is your beaker, इसके अंदर ये आपका एक solid strip डाल दी हमने suppose, अब ये liquid है आपका, यहां तक ये liquid भर है, point of contact से tangent बनाना है liquid surface, ये आपका point of contact है, ये liquid है, ये solid की बार है आपका, कोई भी suppose solid assume करना है आपने, यहां से जो टेंजेंट बनकर एंगल एनक्लोज हुआ उसे कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आया समझ में? कितना? हां जी, ग्रेटर देन 90, कम से 90, ये कॉस थीटा की टर्म्स में आएगा बेसिकली, आपका एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कॉस थीटा की टर्म्स में आएगा, तो एक्यूट ऑब्ट्यूस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड एक्यूट और ऑब्ट्यूस से पॉजिटिव नेगेटिव आएगा बस, वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ग्रेटर देन 90, लेस देन 90, कॉस थीटा की टर्म्स में है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आपको पता है मैक्सिमम कब होगा, 0 डिग्री पे, मिनिमम होगा किस पे, 180 पे, कॉस की टर्म्स में आएगा। प्रबल यतेंद्र क्या बताओ, क्या क्लियर नहीं है? आयुष जा कह रहे हैं प्लैटिनम क्लियर, यतेंद्र बताओ क्या क्लियर नहीं है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ से क्लियर नहीं है, और आपका क्या था ये sin का फॉर्मूला, h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन क्या है, r rho g, t इज योर सरफेस टेंशन, cos थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, r रेडियस कैपिलरी का, डेंसिटी लिक्विड, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंगल बिटवीन द टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट उस पॉइंट से जहां पर लिक्विड और सॉलिड सरफेस कॉन्टैक्ट में है, सरफेस पे ले रहे हो, कर्व पे नहीं ले रहे हो, एंगल एनक्लोज बिटवीन द टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप कहोगे मैम ने बड़े बड़े गोले मार दिए, कहां पे टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, लिक्विड के सरफेस, सरफेस तो लिक्विड का, लिक्विड के सरफेस से टेंजेंट ले रहे हो, किस पॉइंट से, जहां पर वो कॉन्टैक्ट में है सॉलिड के साथ। हां जी ऋषि जी, एंगल कितने का भी हो सकता है, कॉस थीटा की टर्म्स में लिया जाता है, तो ये डिपेंड करेगा कि कॉस थीटा में ये कौन सा है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90 है। हां जी नागले जी ने बिल्कुल सही लिखा है। हां जी डॉलर आ गया था, जल्दी बताओ क्लियर है एंगल ऋषि, कितना भी हो सकता है, जल्दी बताओ
समझ नहीं आ रहा रुपेश, कहां से नहीं समझ में आया मुझे टॉपिक बताओ, दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा। मुझे टॉपिक बताओ आप लोगों को कहां से नहीं समझ में आया। कैपिलरी से चले थे आप, शुरुआत हम लोगों ने कैपिलरी से की थी। कैपिलरी क्या है? आपके पास बेसिकली एक नैरो ओपनिंग है जो दोनों साइड से ओपन है। इसमें आप एसेंट का फॉर्मूला निकाल रहे हो, आपने कैपिलरी लिया उसको लिक्विड में इमर्स कर दिया। अब इसके अंदर पानी जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा, वो हाइट क्या है? 2t cos थीटा अपॉन क्या? r rho g। r क्या है? रेडियस, rho इज डेंसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t सरफेस टेंशन है वाटर का, लिक्विड जो भी आप लोगे। cos थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो एंगल है जो कहां पर बनता है? पॉइंट, लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट लोगे उस पॉइंट से जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। टेंजेंट फ्रॉम द लिक्विड सरफेस उस पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्रिस्टल क्लियर। अभिनव जी कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है। और मैम कैपिलरी में कब कनकेव और कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है? वो थीटा के एंगल के हिसाब से कनकेव और कन्वेक्स मेनिस्कस टू साइड्स है। प्रेशर ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ टू साइड्स। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा जयश्री जी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मैक्सिमम कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वन। कितने पे होती है? जीरो पे। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। कॉस थीटा होता है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज वन। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? वन पे होता है। वन इक्वल्स टू जीरो डिग्री, क्योंकि कॉस जीरो इज इक्वल्स टू वन। मैक्सिमम कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है वन। कहां पर होती है? जीरो डिग्रीज पे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड करेंगे? आपको रेडियस दिया होगा, अगर आपको यहां से सब हाइट दे रखी है, आर ओ जी दिया हुआ है, कॉस थीटा निकाल लोगे, पैरामीटर्स पुट करके निकल जाएगा। क्लियर है सभी को? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या है देख लो दोबारा एक बार फटाफट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आप लोगों को तंग कर रहा है तो इसे तंग करना शुरू कर दो। बार बार पढ़ पढ़ के जो चीज आपको तंग करे उसे तंग करो, पढ़ना शुरू कर दो इसे बार बार। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पॉइंट्स देखकर एक एक डेफिनेशन रीड करो, उसके बाद डायग्राम देखो साथ के साथ। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट, लिक्विड और सॉलिड आपस में कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, इज डिफाइंड एज द एंगल एनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट। एंगल एनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट। अब टेंजेंट कहां से आएगा? टू द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड का सरफेस है, इस पर टेंजेंट। अब कहां से बनाओगे? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। ये भी बहुत जरूरी बात, इनसाइड द लिक्विड के अंदर। हाँ जी, जब आपको कॉस थीटा की वैल्यू डिपेंड करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है। अगर हाइट निकालनी है तो कॉस थीटा की वैल्यू गिवन होगी आपको, अगर निकालना ही थीटा है तो बाकी सब पैरामीटर्स पुट करके थीटा की वैल्यू निकालोगे। नहीं नहीं, मार नहीं डालेगा, तंग करेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बार बार पढ़ के हम भी इसको तंग करेंगे। क्लियर है? मिनिमम 180 डिग्री पे होगा अर्पित। कॉस 180 इज इक्वल्स टू माइनस वन। मिनिमम होता है 180 डिग्री पे, माइनस वन वैल्यू होती है। मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे, 1 वैल्यू होती है। कॉस के लिमिट्स माइनस वन से प्लस वन जाती है। माइनस वन मिनिमम वैल्यू 180 डिग्री पे, प्लस वन 0 डिग्री पे। क्लियर है? हाँ जी, ये लास्ट टॉपिक है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट।
आज का आपका यही तक था, कैपिलरी क्लियर है। हाइट का फॉर्मूला 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय rho g, cos थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्लियर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से आपको पता चलता है कि लिक्विड अगर आपने सरफेस पे डाला है सॉलिड के, वो स्प्रेड हो रहा है या क्या हो रहा है, या ड्रॉपलेट बना रहा है। हाँ जी सत्यम जी, ये आज आपका लास्ट टॉपिक है आज का। अभिषेक जी क्या कह रहे हैं, कनकेव और कन्वेक्स वाला क्लियर नहीं हुआ। डायग्राम देखो एक बार, कनकेव और कन्वेक्स का। कनकेव में डिस्कस ये देखो, जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल है। थीटा छोटा है 90 से एक्यूट पे, कनकेव में डिस्कस बन रहा है। देखो ये आपका सॉलिड, अगर आप ये ले रहे हो, यहां से एंगल लिया आपने टेंजेंट फ्रॉम द लिक्विड सर्फेस, दिस इज योर सॉलिड, ये आपका लिक्विड सर्फेस, यहाँ पे थीटा लिया आपने, ये आपका कनकेव मेनिस्कस बन रहा है एंड दिस इज योर कन्वेक्स मेनिस्कस। थीटा बड़ा है 90 से, बाहर की तरफ जाएगा सॉलिड, ये देखो थीटा। क्लियर है सभी को? और जब वो वेट नहीं कर रहा 90 डिग्री पे है, थीटा एट 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है साइड, ये देखो कन्वेक्स मेनिस्कस, कनकेव मेनिस्कस। क्लियर है सभी को? इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग कल करेंगे। आप लोग सब बच्चे, होमवर्क क्या है आपका, सारे टॉपिक्स जितने आज हुए हैं पढ़ के रखेंगे, कोई डाउट वो कल दोबारा करा जाएगा। क्लियर? नमन जी तो कह रहे हैं मैम बस करो। सनत जी ने तो कह दिया चलते हैं, दुआओं में याद रखना। तो सब बच्चों का होमवर्क ये है, आप लोग ये टॉपिक्स अच्छे से रीड करना, समझ के एक बार करके देखना, कोशिश करना। नहीं आएगा तो कल सबसे पहले डाउट्स लेंगे, एक बार छोटी सी रिवीजन करके फटाफट फिर आगे चलेंगे। क्लियर है? तो सब बच्चे अब कल अपना काम करके रखना, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।